औद्योगिक नगरी पीथमपुर में शासकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर शासकीय महाविद्यालय पीथमपुर में रस्साकसी प्रतियोगिता एवं शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। सर्वप्रथम महाविद्यालय के प्राचार्य विनोद खत्री द्वारा मेजर ध्यानचंद के चित्र पर पुष्पमाला अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जिसमें शासकीय महाविद्यालय की समस्त छात्र छात्राएं उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विनोद खत्री द्वारा छात्रों को मेजर ध्यानचंद और उनके जीवन से जुड़े रोचक किस्सों को बताया और खेल के प्रति छात्रों को जागरूक किया। तत्पश्चात प्रतियोगिता संचालन क्रीड़ा अधिकारी जितेंद्र पांडे द्वारा किया गया, जिसमें महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं सहित स्टाफ ने भी हिस्सा लिया और छात्रों के साथ रस्साकशी सहित कई खेल खेले गए। पीथमपुर से संजय सोनग्रा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। ये साप्ताहिक है, 21 तारीख से 29 तारीख के बीच में कोई कार्यक्रम चल रहे हैं, जिसमें शिक्षा विभाग के द्वारा एक आदेश आया हुआ है। इस आदेश में जो हो तो कई खेलों का जिक्र किया गया है, जैसे वॉलीबॉल है, फुटबॉल है और रस्साकसी है और नींबू रेस है, अदरवाइज कई खेल हैं। इसमें हमने रस्साकसी को चुना बच्चों के लिए, और क्योंकि रस्साकसी हमारे कॉलेज में एक बार हो चुकी है, हमने बच्चों ने बोला सर रस्साकसी कराइए, हम रस्साकसी करा रहे हैं। बाकी अदर खेल साल में कैलेंडर हमारा आता है, कैलेंडर हमारा आने वाला सितंबर में, वो पूरे साल कैलेंडर चलता है, तो उसमें सब हॉकी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कुश्ती, रेसलिंग, पावर लिफ्टिंग, कई सारे गेम, कम से कम 15-20 गेम रहते हैं, वो गेम पूरे साल चलेंगे डेट बाई डेट। तो इसमें महाविद्यालय स्तर पर होगा, जिला स्तर पर होगा, संभाग स्तर पर होगा, स्टेट स्तर पर होगा, यूनिवर्सिटी स्तर पर होता है। तो यहाँ से कॉलेज, जिस लड़के अपने कॉलेज के होंगे तो उनको सिलेक्शन करेंगे जिले स्तर पर, फिर संभाग स्तर पर, स्टेट स्तर पर, जैसे स्टेप स्टेप हम लोग खेल कराते रहते हैं और हमारा साल भर खेल चलता रहेगा। ये तो खेल दिवस के, राष्ट्रीय खेल दिवस के उपलक्ष्य में हम लोग रस्साकसी का आयोजन अपने महाविद्यालय में कर रहे हैं। आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र कुमार पांडे, क्रीड़ा अधिकारी, गवर्नमेंट कॉलेज पीथम। जी बताएं, आज ये आयोजन है खेल का, क्या है पूरा? आज पूरे राष्ट्र के लिए ये बड़ी प्रसन्नता की बात है, हमारे पूरे देश में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये मेजर ध्यानचंद जी की स्मृति में मनाया जाता है। इस अवसर पर पूरे राष्ट्र में विभिन्न प्रकार के खेल आयोजन किए जाएंगे, एक साप्ताहिक आयोजन है और मेजर ध्यानचंद जी का व्यक्तित्व और खेल के प्रति समर्पण पूरा विश्व जानता है। वे हॉकी के जादूगर माने जाते थे। इस खेल में उन्होंने इतनी महारत और सफलता हासिल की कि पूरे विश्व में भारत का परचम लहराया। उनके खेल के प्रति समर्पण से ही पूरा विश्व मेजर ध्यानचंद जी को जानता है। सभी विश्व के देशों ने, प्रतिभागियों ने, खिलाड़ियों ने, सभी ने उनके खेल की प्रशंसा करते थे। वास्तव में वो एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनमें हॉकी के प्रति इतना जुनून, जोश और साहस था, उसी से वे हॉकी के जादूगर कहलाए और पूरे लोग अचंभित थे कि ये हॉकी के स्टिक से इतना कमाल कैसा करते थे। तो हमारे जितने भी देश के खिलाड़ी हैं उनको उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। सभी छात्र छात्राओं को समझना चाहिए कि एक हॉकी के जादूगर वे किस प्रकार से बने, खेल के प्रति समर्पण उनका कैसा था। सभी छात्र छात्राओं को, खिलाड़ियों को उनसे प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें खेल के प्रति किस प्रकार समर्पित होकर खेल भावना से अच्छी प्रतिस्पर्धा के तौर पर कार्य करना चाहिए, जिससे पूरा देश राष्ट्र आगे बढ़ सके। धन्यवाद। आपका नाम? डॉक्टर विनोद खत्री, प्रिंसिपल, गवर्नमेंट कॉलेज पीथमपुर। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।